हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम अनमोल जैन ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे रहोगे। गाइज, टाइम अभी हो रहा है 8:05। मैं मंदिर से जाके आ गया, बट मुझे 7 o'clock को जाना था मेरे दोस्त की शादी में, मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत देखना था, बट अभी वहाँ पे अभी जस्ट अभी जाके कवर अप करूंगा मैं। सौरभ तो आ गया, अब इसके संग ही चलते हैं हम लोग। वहाँ पे क्या चल रहा है देख कर आएंगे। को पिक करने के लिए आए थे हम लोग। ये बाबू जा रहे हैं उनके साथ। आज कौन है? आज हाँ गंगाधर एंट्रेंस। चलो हाँ, और कुछ बोलो। हाँ ये बैलून लगा हुआ है और ओके। सो गाइस, सब फ्रेंड यहाँ पर सर्व करने के लिए लगे हुए हैं। सो गाइस, नाश्ता यहाँ पे तैयार है। इडली, चटनी, सांभर एंड फ्रेशलेट एंड मिठाई में हुआ है यहाँ छेना पूड़ो। ये है ग्रूम टू बी जो कि नीचे बैठा हुआ है मम्मी के साथ, एंड ये है ब्राइड टू बी जो फोटो क्लिक कर रहे हैं। गाइज, इसको हम यहाँ पर फ्रेशलेट बोलते हैं जो कि बहुत डिलीशियस रहता है। एक तो होता है डोसा, एक होता है आटू और एक होता है फ्रेशलेट, जो कि फ्रेशलेट यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है। तो मैं तो गाइज फ्रेशलेट ले रहा हूँ। तो नाश्ता तो मैंने ले लिया है यहाँ पर। इडली है, उपमा है और छेना पूड़ो है मिठाई में। तो गाइज, अभी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको सर्व करेंगे। मेरा टास्क है, मैं छेना पूड़ो सबको सर्व करूँगा जो कि बहुत अच्छा स्वीट है। यहाँ का स्पेशल है, ओडिशा में मिलता है ये चीज़। तो गाइज, ये वो सीट है जहाँ मॉर्निंग कार्यक्रम होगा। ओनियन देख सौरभ कितने सारे हैं। गाइज, ये है चटनी किंग मनी जो कि कितना काम कर रहा है बेचारा। ये भी है भाई, गाइस नाइट में मैरिज है और मैरिज डेकोरेशन प्रिपरेशन चल रहा है। ये देखिए गाइस, सो ये है मंडप और डेकोरेशन देखिए गाइस चल रहा है अभी फिलहाल। ये नवरंगपुर में है, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। सो गाइज, ये तेलुगु वेडिंग है। गाइज, ये तो मॉर्निंग व्यू है जो कि अभी तक डेकोरेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये नाइट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लाइट वाइट लगाएंगे तो इनक्रेडिबल लगेगा उस टाइम। मैं नाइट में भी दिखाऊंगा आपको, बट ओवरऑल अभी दिखा दे रहा हूँ, अभी भी बहुत एक्सीलेंट लग रहा है। ये है गाड़ी हमारी, अब चल रहे हैं हम दुकान। फाइनली दुकान हम पहुंच गए, ये रही दुकान। आज स्टाफ नहीं आया है, अकेला हूं मैं। गाइस, फिलहाल मैं दुकान पहुंच गया और अभी टाइम हो रहा है 9:15। ज़्यादा दूर नहीं है वो कल्याण मंडप जहां पर शादी है, यहां से अप्रोक्स 200 मीटर दूर है बस। तो अभी तो फिलहाल मैं दुकान पे हूं, दुकान ओपन करूंगा। पूरा दुकान ओपन करने के बाद फिर जल्दी बढ़ा दूंगा आज, बिकॉज आज शाम को हम दिखाएंगे पूरा मैरिज वाइज जो भी है वहां पे, जितना भी डेकोरेशन किए हैं सब दिखाएंगे। तो गाइस, तेलुगु फैमिली के यहां पर शादियां कैसे होती हैं उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में दिखाऊंगा आपको। फिलहाल अतुल भैया के यहाँ पे हल्दी की रस्म चल रही है। भैया की आज एंगेजमेंट है और कल शादी है, तो मैं कल दिखाऊंगा शादी का व्लॉग और आज हल्दी की रस्म हो रही है। गाइस, फिलहाल अभी हम आए शॉपिंग करने के लिए। ये वाला मैंने निकाला है और उसने अलग निकाला है, ये रखीब ने निकाला है। ओके, ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा है भाई, दूसरा निकाल ले चल। गाइस, टाइम हो रहा है 2:20, अभी तक हम लोग गए नहीं है और क्या क्या सामान हमने निकाला है उसकी शादी में देने के लिए वो दिखाता हूँ मैं। गाइस, सब सामान हमने होम नीड्स के रिगार्डिंग निकाला हुआ है। ये डस्टपैन है, बाल्टी है, फिर स्पाइडर कैचर है, झाड़ू है, हार्पिक है और होम नीड्स के रिगार्डिंग है। सब अभी बता दूंगा तो सस्पेंस नहीं रहेगा गाइस, मैं वहीं पे दिखाऊंगा आपको। तो गाइस, टाइम हो रहा है 2:30, बेचारे को बहुत भूख लगी है, भोजी में जाने के लिए इतने बेतबा से तैयार है। चल जाएंगे, चल भूख लगी है ना, चल रेडी है हम जाने के लिए। तो गाइस, फिलहाल यहाँ पे तो लंच चल रहा है और गिफ्ट मैं अभी लेकर नहीं आया हूँ, बिकॉज हम रात को देंगे गिफ्ट्स। ओके, सो खाना तो हमने ले लिया है यहाँ पर। खा ले, बहुत जोर से भूख लग रही होगी शायद। कालू खा ले, मेरा क्या निकल रहा है भाई, तू वहाँ से लेना, वहाँ से ले, मेरा क्यों निकल रहा है, वहाँ से ले। सो एट लास्ट वी आर हैविंग अवर डेजर्ट। सो सागर, डेजर्ट ले ले, डेजर्ट। कैसा है, और कुछ बोलना चाहता है? तो गाइस, कामी भी आ गए हमारे,
कुछ बोल रहे हो भैया? नहीं, पहले खाना है उसके बाद कुछ बोलना है। ओके, वेरी गुड। तो गाइस सेल्फी टाइम। हम लोगों ने एक एक खाए, इसने 5 खाए हैं गाइस। देखिए ये रकीब है, इतना डेजर खाता है। देखो नहीं, दुकान बंद हो रहा है, लेके चले जाओ, घर ले जाओ भाई, दुकान बंद कर देंगे। वहाँ मत लेके जाओ, हम जा रहे हैं ना, दुकान बंद नहीं कर रहे। ड्रेस लग जाएगी मेरे से ना, आज शादी है, दुकान बंद कर रहे हैं, जा रहे भाई। ये लोग जा रहे हैं इसमें, मैं जाऊंगा बाइक में, बुलेट में। तो गाइस हम लोग शाम को गिफ्ट देंगे, जितना हम यहाँ से लिए हैं, झाड़ू वगैरह लिए हैं, बाल्टी लिए हैं, टॉयलेट क्लीनर लिए हैं, जो भी लिए हैं शाम को हम देंगे उसको। अभी तो 3 o'clock हो रहा है टाइम, लेट्स सी कैसा लगता है वहाँ का एंजॉयमेंट, वहाँ दिखाएंगे हम आपको। ओके, खाना पीना खाकर तो आ गए हम लोग वहाँ से, और सब दोस्त लोग ले गए सामान। और एक्चुअली ये सब तो बस दिखावा के लिए हम दे रहे हैं, बट हम सब दोस्त लोग कॉन्ट्रीब्यूट करके उसको वाटर प्यूरीफाई मशीन दे रहे हैं। दुकान तो मैंने बढ़ा दी, अब मैं जा रहा हूँ घर, वहाँ पे कुछ अतुल भैया का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, हल्दी का कार्यक्रम खत्म हो गया भैया का, अब भैया रेडी हो रहे हैं एंगेजमेंट के लिए, जो कि होटल में होगा। गाइस रेडी हो गए हम शादी के लिए, मतलब जाने के लिए। तो गाइज ये ड्रेस कोड है हमारे, हम सब दोस्तों के लिए जो भी हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की शादी में, तो ये ड्रेस कोड है इस तरीके का, सब इस पैटर्न में हर किसी ने पहना हुआ है, तो मैं वहाँ पे ही आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो। आज क्या है? आज कुछ भी नहीं। नहीं क्या आज? अतुल की शादी है। शादी शादी तो कल है, आज क्या है? सगाई है। हाँ सगाई है, अच्छा। हाँ। तो जा रहे हैं ना? ठीक है, फिर सगाई में मिलते हैं। बाय। आज कहाँ है, कहाँ जाएंगे आज, कहाँ पे जाएंगे? ग्रूम टू बी, इनकी एंगेजमेंट है आज अतुल भैया। सो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर एंगेजमेंट है आज, और ये सब सामान लेके जा रहे हैं ऊपर। और कुछ है? नहीं, बस इतना ही। चलो तो गाइज एंगेजमेंट यहीं पे होगी, सब तैयार है, रेडी है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो शूट हो जाए, मानने वाले और कुछ नहीं, लोग बुलाने वाले और कुछ नहीं। डेकोरेशन शानदार है गाइस यहाँ का। दीदी देखो कितने पुराने जमाने की है ये, है ना? पहले होता था ये, कब का पता नहीं, अब नहीं होता है। सो गाइस यहाँ पे सब रेडी है ना? दीदी देखो जी, वो जीजू को रेडी कर रही हैं। पहले से रेडी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये अरेंजमेंट है एंगेजमेंट का। खाना नहीं खाया तूने? बैलून खा रही है। हाँ चलो। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मम्मी को लेके मैं जा रहा हूँ चंद्रशेखर के यहाँ पे, वहाँ पे जाकर फिर बाद में यहाँ पे आएंगे। तो मैं तो स्कूटी लेके जाऊंगा, बट किसी की ओडी खड़ी है यहाँ पे। सो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। मॉर्निंग व्यू अलग था, अभी नाइट व्यू देखिए गाइस, एक्सीलेंट लग रहा है, चारों तरफ लाइट लगा हुआ है इसीलिए। यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्र वेट्स पल्लवी RCS। सो गाइज यहाँ पे एक रस्म होती है जहाँ पे हम दूल्हे को छुपा देते हैं बॉयज लोग, फिर डिमांड करते हैं, तो वही आर्गुमेंट चल रहा है। अरे आज गुर्दिन पे देख लो, बोल तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाबा सुनो, बस कैसे हो भाई? ओडिया रखो, हिंदी रखो, नाले हिंदी रखो। हमें 30,000 चाहिए। 30,000 रुपया मांगता है स्पॉट कैश? 30,000 मांगता है। चेक होने भी हो जाएगा, चेक भी चलेगा, गूगल पे भी चलेगा। सो गाइज हम सब बॉयज लोग मिलकर 30,000 रुपीज का डिमांड किए हैं, बट कितने में फाइनल हुआ है वो नहीं पता है, तो अभी इन लोगों का शादी का कार्यक्रम स्टार्ट होगा।
हाफ एन आवर डिस्कशन के बाद। गाइज अगेन हम यहाँ पे आ गए हैं बिकॉज यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, सब लोग आ चुके तो अब मैं और सौरभ फिर से रिटर्न जा रहे हैं वो शादी में, चंद्रू की शादी में, बिकॉज गिफ्ट वगैरह देना भी है हम लोगों को। सो फाइनली पहुंच गए हम यहाँ पर। गाइस हम तीनों का इक्वल है, एक ही जगह से लिया हुआ है, बाकी सबका सेपरेट है। सो ये भी शेरवानी पहना है, ये भी शेरवानी पहना है, बाकी जितने भी हमारे ग्रुप के हैं सब लोगों ने शेरवानी पहनी हुई है आज, और हम तीनों का तो अलग ही था बट ये डिफरेंट पहना है। सो गाइस यहाँ पे एक स्टेज लगाया हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक का, जहाँ पे लिखा हुआ है मॉकटेल्स। सब तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। सो गाइज ये एंट्रेंस में खड़े हुए हैं यहाँ पे झूला के मॉम एंड डैड, जो कि सबका स्वागत कर रहे हैं अच्छे से। सो गाइज सब गिफ्ट के साथ रेडी हैं यहाँ पर, सब लोगों ने हाथ में पकड़ लिया है कौन क्या क्या देगा। तो स्टार्टिंग कर रहा है अभी, जो कि लेके आया है झाड़ू, फिर सब लोग अलग अलग चीज लेकर आएंगे। गाइज ये एक न्यू डिश है नवरंगपुर के लिए, जिसका नाम है स्मोकिंग बिस्किट्स, जो कि बिस्किट्स में वो धुआं लगा के देते हैं, इसको खाकर देखते हैं गाइज कैसा लग रहा है। देखिए तो खाना हमने ले लिया है, जिसमें रूमाल रोटी है और पनीर है। सो गाइज मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं। यहाँ पे एक और स्टेज है जहाँ पे पंजाबी पान मिल रहा है। सो अब यहाँ पे पूजा चल रही है यहाँ पर। गाइज लास्ट मोमेंट में ये शेरवानी हमने खरीदी है, सब लोगों ने तो बाहर से मंगा ली थी, ऑनलाइन से मंगा ली थी, पहले से मंगा ली थी, तो सब लोगों का ऐसे कोड था कि सब लोग शेरवानी पहनेंगे। तो हाँ ये मैंने और सौरभ और रखीब तीनों जन ने लास्ट मोमेंट में खरीदी, तो ये थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइज आज फाइनली बहुत मज़ा आया, और दो जगह फंक्शन था जो कि कंप्लीट हो गया। एक जगह एंगेजमेंट था वो अतुल भैया का, जो हमारे घर के सामने रहते हैं, और एक जगह शादी थी जो कि मेरी फ्रेंड की शादी थी, अभी भी चल रही है, यहाँ से अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर है जो दिख रहा है ना लाइट, अभी भी चल रहा है, साउंड हो रहा है। सो गाइज मैरिज तो एक्सीलेंट था गाइज, सुपर्ब था मैरिज, और एंगेजमेंट भी भैया का ग्लेज होटल में किए थे, वो भी सुपर्ब था। बट जो प्रेजेंट हमने दिया था, जैसे कि झाड़ू वगैरह जो सब दिया था, वो प्रॉपरली हम लोग शो ऑफ नहीं कर पाए, बिकॉज स्लो मोशन में जाना था, वो लोग स्पीड में चले गए, बिकॉज डर गए वो लोग, पहले कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं है, तो बस एक्सपीरियंस नहीं था उसके रिगार्डिंग ऐसे हुआ, अदरवाइज ओवरऑल अच्छा लगा वो चीज़। आज तो मेरा खाली ट्रैवलिंग ही ज़्यादा हुआ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से कम 10 बार गया होऊंगा, मतलब है यहाँ से एक्चुअली 5 किलोमीटर दूर है ग्लेज, कम से कम 10 बार अप एंड डाउन किया हूँ मैं, मम्मी को लेके आना, पापा को लेके जाना, फिर किसी को लेने आना, फिर कुछ लेके देना, और दुकान आज मैंने 3 o'clock को ही बढ़ा दी थी। सो हाँ गाइस इसके साथ मैं अपना ब्लॉग को करता हूँ एंड, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।